हाय ऑल, हमें ये साइंस का एलिमेंट और अपने बॉडी के पंचभूता का एलिमेंट समझना क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने बॉडी को अच्छे से समझ पाए और रियलिटी को समझ पाए एक्चुअली में। ठीक है, इससे हम अपने शरीर का ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगे और सच्चाई को हम और गहराई से समझ पाएंगे। इससे हमारा दिमाग भी स्थिर होगा और हमें बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहले समझते हैं कि 118 एलिमेंट हैं क्या और ये कैसे बने। साइंस ने अभी तक 118 एलिमेंट खोजा है। पहले ये 118 भी नहीं थे और कम थे। धीरे धीरे करके ये एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे और नए नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, फ्यूचर में और भी नए नए एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? एलिमेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप समझिए कि जो हाइड्रोजन होता है, सबसे पहला एलिमेंट है ये। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन कर दे तो वो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हीलियम। ऐसे कर करके अभी तक टोटल 118 एलिमेंट खोजे गए हैं। 118 एलिमेंट में क्या होगा, 118 ठो इलेक्ट्रॉन होगा और 118 ठो ही प्रोटॉन होगा। अब इसको 119 इलेक्ट्रॉन अगर कर दे तो वो नया एलिमेंट बन जाएगा। तो फ्यूचर में भी और भी एलिमेंट्स नए नए बनते रहते हैं। क्यों बनते रहते हैं, क्योंकि 118वां जो एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से कंबाइन हो गया या कुछ भी रिएक्शंस की वजह से, इस यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन हो सकता है, उसकी वजह से नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट बनते रहेंगे। ये तो हो गया साइंस की नज़र से। अब जो हमारे पुराने वेदों में, हमारे किताबों में जो दिए गए हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में, पंच महाभूता के बारे में, वो क्या है? ये सब एलिमेंट्स तो हो गए बहुत बारीक, मतलब बहुत एलिमेंट्स के अंदर भी घुस रहे हैं हम, मतलब कि हम एक मैटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर घुस रहे हैं जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके अंदर भी जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तब हम बोल रहे हैं 118 एलिमेंट है। मगर इन माइक्रोस्कोपिक को मिलाकर जो एक मेजर चीज़ बन रही है, ठीक है, एक स्टेट बन रहा है, उसे हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स। वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भूमि, अर्थ। अब अर्थ की जब हम बात कर रहे हैं, सॉइल, तो सॉइल में जब हम बात कर रहे हैं सॉइल की, तो सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके, सिलिका है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट को मिला करके सॉइल बनता है। तो ये सब उसके वो 118 एलिमेंट्स के ही ये एक एक एलिमेंट्स है। और सॉइल मगर हम मेजर कैटेगरी ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स उसी 118 एलिमेंट्स या फिर उससे और फ्यूचर में जो भी मिलेगा उसका निचोड़ है। ठीक है, तो 5 हम ग्रेट एलिमेंट्स बोल सकते हैं जिनसे ये सब एलिमेंट्स का उत्पादन हो रहा है या ये बन रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 मेजर एलिमेंट्स हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। समझते हैं कैसे। पहले इसे याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें, क्योंकि हमारे पुराने संत मुनियों ने इसे इसी तरीके से डिज़ाइन किया था कि हम आगे फ्यूचर में इसे भूले ना, इसलिए इसका इन्होंने नाम रखा था भगवान। भा ग व अ की मात्रा एंड देन न, भगवान। भा से भूमि, भूमि का मतलब होता है अर्थ। ग से गगन, मतलब स्पेस। ये बादल वाला गगन नहीं है, स्पेस है। मैं इसके एक एक के बारे में समझाऊंगा हमारे बॉडी में कैसे है ये। वा से वायु, वायु मतलब एयर। अ से अग्नि, अग्नि मतलब फायर। और ना से नीर, नीर मतलब वाटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थ से। हम लोग सॉइल से बनी हुई चीज़ें, सॉइल में जो प्लांट्स उग रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आते हैं, प्लांट से फ्रूट्स में आते हैं और फिर हम उसे खाते हैं, चाहे हम डायरेक्ट खा रहे हो या इनडायरेक्ट। अगर हम नॉनवेज भी खा रहे हैं तो नॉनवेज जो एनिमल्स है वो क्या खा रहा है, वो प्लांट्स खा रहा है। तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी सॉइल से ही मिल रहा है। तो सॉइल इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हमारा बॉडी जो है वो अर्थ से बन रहा है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसी से हमारा शरीर की ऊर्जा बनती है, हमारा शरीर का स्किन, मसल्स, खून, ये सब बनते हैं। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस मतलब क्या, हमारे शरीर में बहुत सारे खाली जगह हैं, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर हवा कहीं तो जा रहा है, तो हमारे मतलब बॉडी के अंदर स्पेस है। अगर उस स्पेस को कम कर दिया जाए या ख़त्म हो जाए वो स्पेस, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, मतलब हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थर्ड है एयर।
हमेशा हम सांस ले रहे हैं और सांस के साथ बहुत सारी एनर्जीज हमारे बॉडी में जा रही है, बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जा रहे हैं और बहुत सारे वेस्ट एलिमेंट हमारे बॉडी से बाहर आ रहे हैं, तो एयर से भी हमारा बॉडी बन रहा है। नेक्स्ट है फायर। फायर मतलब होता है यहाँ पे वो फ्लेम वाला आग नहीं है, फायर का मतलब होता है गर्मी। हमारे बॉडी में गर्मी है क्योंकि हमारा खून गर्म होता है। आप देख लो बॉडी से जो भी चीज़ निकलती है गर्म निकलती है, आप मुंह से फूंक भी मारोगे तो एक्सहेलिंग एयर जो होता है वो गर्म होता है। इसी तरीके से हमारा ब्लड गर्म होता है, हमारे यूरिन गर्म होता है, हमारा हम जो खाना खाते हैं वो भी तभी डाइजेस्ट हो पाता है जब वो पेट में अग्नि हो, ठीक है। मतलब पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है वो उसे अम्ल जो रिलीज होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, तो खाने को मतलब उसमें से जर्म्स मारने का काम करती है। देखो एक चीज़ क्या डिफरेंस होता है कि जब हम आयुर्वेदिक चीज़ें पढ़ते हैं या नेचुरल चीज़ें पढ़ते हैं तो हम साइंटिफिक टर्म्स में मिसमैच हो जाते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि क्या वर्ड सही वर्ड है, ठीक है। तो हमारा दिमाग पूरा खुला होना चाहिए इसको साइंटिफिकली समझने के लिए, क्योंकि हर चीज़ साइंटिफिक बेस्ड है, इसमें कुछ भी मानने का नहीं है, ठीक है। हमारा शरीर आकाश से, जैसे पहले मैं सुनता था कि हमारा शरीर आकाश से बना है तो बादलों से बना होगा, बादल से यहाँ शरीर में कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। गगन का मतलब सिर्फ बादल नहीं होता, गगन एक पर्यायवाची शब्द है स्पेस का, खाली जगह का। हमारे बॉडी में खाली जगह है। इस तरीके से हम समझ समझ के अगर पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नई नई चीज़ें पता चलेंगी हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में, हमारे वेदांत में, उपनिषदों में। लास्ट है वाटर। हमारा बॉडी 70% से ज़्यादा पानी से बना हुआ है। वैसे भी अलग अलग ऑर्गन्स में जाएंगे तो अलग अलग तरीके का कंटेंट है। जैसे ब्रेन हमारा 70 से 80% तक पानी है, बोन्स में 30 से 40% तक पानी है। इस तरीके से अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो ये होपफुली 5 एलिमेंट्स हमें समझ में आ गया होगा। तो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट जो हैं इसके सब डिवीज़न हम बोल सकते हैं। यही एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, अलग अलग एलिमेंट्स हमारा जो ये 5 एलिमेंट्स है इसी को बनाता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।